हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ केले की फूल की सब्जी। आपने केले की सब्जी तो खाई होगी, पर केले की फूल की सब्जी आपने नहीं खाई होगी। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, तो आप एक बार मेरे तरीके से केले की फूल की सब्जी को ज़रूर बनाकर देखें। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो केले की फूल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक केले का फूल। तो ये फूल आपको मार्केट में कभी कभी मिल जाएगा या नहीं भी मिल सकता है, ये आपको केले के पौधे में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके फूलों को तोड़कर अलग कर लेंगे। तो वापस से हम इसका एक ऊपर वाला खराब भाग हटाएंगे और फिर से इसके फूलों को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे आप खोलते जाएंगे और ये अंदर से फूल निकलते जाएंगे। तो इसके सारे फूलों को हम इस तरह से ही निकाल लेंगे। तो सारे फूलों को मैंने निकाल लिया है। तो इन फूलों के बीच दो ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत कड़े होते हैं, तो उन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये माचिस की तिली के शेप का होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक माचिस की तिली जैसे शेप का डंठल है और इसे जब आप निकालेंगे तो इस तरह का एक और पार्ट निकलेगा। इन सबको हम अलग रख देंगे। इस तरह से हम सारे फूलों के अंदर के पार्ट को निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फूल के अंदर के पार्ट को मैंने निकाल दिया है। और जब आप फूलों को निकालेंगे तो उसके अंदर से ये बहुत सॉफ्ट पार्ट निकलता है, तो इसे भी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़े से फूल लेंगे और इसे बराबर कर लेंगे। और अब हम इसे चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हम सारे फूलों को काट लेंगे और काटने के बाद ही हम इसे पानी में डालते जाएंगे। अगर आप काटने के तुरंत बाद इसे पानी में नहीं डालेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो सारे फूलों को काटेंगे और फिर इन्हें पानी में डाल देंगे। तो इसके फूल में कस्सापन होता है, तो इसका कस्सापन आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं। तो जब आप इसे पानी में डालें तो आप इसे डायरेक्ट नमक वाले पानी में डालें और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, या फिर आप इसे उबालकर भी इसका कस्सापन निकाल सकते हैं। तो केले के फूल काटने से हाथ काले हो जाते हैं, तो आप अपने हाथों पर पहले तेल लगा लें, उसके बाद इनके फूलों को काटें। तो अब हम इस सॉफ्ट भाग को भी काट लेंगे। तो इसे हम पहले बीच से काटेंगे, फिर एक और बार इसे काटेंगे और नीचे से इसे छोटे छोटे पीसेस में काटते जाएंगे। तो ये देखिए, इस सॉफ्ट भाग को भी मैंने बारीक काट लिया और इसे भी अब हम पानी में डाल देंगे। तो अब मैंने फूलों को पानी से छानकर अलग कर लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने पानी को उबाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और अब हम इसमें केले के फूल डालेंगे। और अब हम इसमें एक पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे केले के फूल में जो कालापन है वो भी निकल जाएगा और इसका कस्सापन भी हट जाएगा। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। तो अब हम इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक ये उबल रहा है तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सर का जार और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं डालूंगी 5-6 कली लहसुन और 1 इंच अदरक और साथ ही एक मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो अब हम इन सब का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे उबाल लिया और अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक छन्ने की मदद से इसे छान लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के आलू, इसे मैंने छील कर अच्छे से छोटे पीसेस में काट लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे तेल।
यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया और अब हम आलू के पीसेस को इसमें डाल देंगे और इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसे 2-3 मिनट तक ढककर सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो अभी 1 मिनट हुए हैं, आप देख सकते हैं आलू सुनहरा होने लगा है। तो इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और फिर से इसे ढककर 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो 1 मिनट हो गए हैं और ये देखिए आलू बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आलू फ्राई हो गए हैं, तो अब हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च में मैंने जीरा लगाया है, तो जीरा चटक गया है और अब हम इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो इस मसाले को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। तो इसे मैंने 1 मिनट तक भून लिया और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसालों में से तेल सेपरेट होने लगा, इसका मतलब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें हमने जो केले के फूल उबाल कर रखे थे वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें फ्राई किए हुए आलू भी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे हमने केले के फूल को उबालते समय और आलू को फ्राई करते समय भी नमक डाला था, इसीलिए ध्यान से ही नमक डालें। तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, तो इसे हम ढककर और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो इसे हम एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे क्योंकि ये सब्जी कम ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। ग्रेवी डालकर इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए पानी डालने के बाद ग्रेवी में उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से केले की फूल की सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सबसे एंड में इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सब्जी भी बिल्कुल इसी तरह की स्वादिष्ट बनेगी। इसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।